वालेकुम फ्रेंड्स क्या हाल हैं ठीक ठाक उम्मीद है आप खैरियत से होंगे आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बकरी के बच्चों के गिलड़ के ऊपर इस मौसम में आपने देखा होगा कि बकरियों को बकरियां जो भी बच्चा देती हैं उसमें से एक या दो को गिलड़ ज़रूर होते हैं या आपने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा ये गिलड़ क्यों होते हैं किस वजह से होते हैं और इनका बेहतरीन इलाज क्या है और इसकी बेहतरीन एहतियाती तदाबीर क्या हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके बहुत शुक्रिया नए पैदा होने वाले बच्चों में गिलड़ क्यों होते हैं पैदाइश के वक्त बच्चों में गिलड़ पैदा होने की बुनियादी वजह माँ में आयोडीन की कमी है जो पेट के अंदर बच्चों में ट्रांसफ़र होकर गिलड़ का बास बनती है आयोडीन की ये कमी नाकस ख़ुराक या ऐसी ज़मीन से हासिल हासिल होने वाले चारे से पैदा होती है जिसमें नमकियात की शदीद कमी हो जिसकी वजह से जो उस बकरी से बच्चे पैदा होते हैं उनमें गिलड़ होते हैं एक साइड पर या दोनों साइड पर ये बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं इनमें से चंद एक जो बच्चे हैं वो बच जाते हैं बाकी अक्सर देखने में आया है नाइन्टी फाइव नाइन्टी से लेकर नाइन्टी फाइव परसेंट तक बच्चे बच्चों की डेथ हो जाती है अगर आप लोगों ने बकरियां पाल रखी हैं तो आपको चाहिए कि चंद एक एहतियाती तदाबीर अपना कर इस बीमारी से जान छुड़ाई जा सकती है जब बकरियां हमला हो जाएं, तो उन्हें तीन माह के हमल के बाद ख़ुराक में 20 ग्राम आयोडीन मिला नमक ज़रूर दें ताकि माँ में आयोडीन की मकदार पूरी हो सके और उसके अंदर जो बच्चा पड़ रहा है उसमें आयोडीन की कमी वाक़ ना हो जिससे बच्चा सेहतियाब पैदा हो और आपके फॉर्म को तरक्की मिल सके अक्सर देखने में आया है कि लोग और डॉक्टर हजरात बोलते हैं कि ये मर्ज़ ला इलाज है हालांकि इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और इन बच्चों को बचाया जा सकता है गिल्लड के साथ पैदा होने वाले बच्चों को ला इलाज ना समझा जाए कुछ डॉक्टर हजरात और कुछ लोग इसे ला इलाज समझते हैं बल्कि इसका अगर आप ख़ास इलाज करेंगे तो बच्चे बच जाएंगे इलाज ना होने की वजह से बच्चे दूध नहीं पी सकते जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं जल्दी मगर इसका मुकम्मल और बेहतरीन इलाज मौजूद है अगर वो इलाज आप करेंगे तो बच्चे बेहतरीन सेहतियाब हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे ऐसे बच्चे जिन्हें गिलन हो उन्हें होम्योपैथिक दवाई आयोडियम 200 दें चार कतरे सुबह और चार कतरे शाम को डालें और इसके बाद एक टैबलेट है थायरॉक्सिन के नाम से वो एक गोली सुबह 10 एम पानी में मिक्स करके पिला दें और एक गोली शाम को 10 एम पानी में मिक्स करके पिला दें पानी डिस्टल हो या उबला हुआ पानी हो इसके साथ साथ बकरी को भी डेली आयोडीन मिला नमक चारे में ज़रूर दें ताकि इसके दूध में भी इसके असरात पैदा हों और दूध के जरिए बच्चे में इस बीमारी की जो अलामत हैं वो कम हों और बच्चे को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले इस गिलड़ के मर्ज को आप इजी ना लें आप आपकी बकरी जब प्रेग्नेंट हो तो उसको 20 ग्राम आयोडीन मिला नमक ज़रूर दें चारे में या किसी चीज़ में आप इसको इजी ना लें नमक के डले भी मिल जाते हैं वो आप खुरलियों के साथ बांध दें या लटका दें किसी भी तरह उनको नमक ज़रूर मुहैया करें ताकि उनके अंदर जो बच्चे हैं उनकी सेहत अच्छी रहे और जब वो पैदा हों तो वो हर हर किस्म की बीमारी से पाक हों और ख़ास कर गिलड़ की बीमारी से पाक हों अगर ऐसा होगा तो आपका फॉर्म तरक्की करेगा आपकी नस्ल आपके आपकी बकरियों की नस्ल आगे बढ़ेगी तो कैसी लगी आपकी आपको ये हमारी वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर करें बहुत शुक्रिया